और ये मेरे लिए कस्टमर नहीं करते, मेरे स्वाद के लिए एडजस्टमेंट करते हैं कस्टमर। लेकिन जो स्वाद है ना भैया वो फाइव स्टार वाला आपको मिलने वाला, उससे बेटर नहीं तो पैसा नहीं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मयंक एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो माय चैनल भूखे ट्रैवलर। सो गाइस, आज के अपने वीडियो में मैं आ चुका हूं अपने बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट रेलवे स्टेशन के पास टुनटुनिया गुमटी, जो है वहीं पे टुनटुनिया गुमटी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में एक यहाँ पे विजय जी करके, जो कि काफ़ी टेस्टी मटन बनाते हैं ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। बाकी क्या कुछ खासा टेस्ट है, क्या कुछ खासा प्रोसेस है जो यहाँ पे लोग काफ़ी आना पसंद करते हैं और काफ़ी चाव से खाते हैं, चलिए हम भी चलते हैं और ट्राई करते हैं कि लजीज मटन को, साथ ही साथ करेंगे भैया से बात और जानेंगे इनके सीक्रेट रेसिपीज़ को। चलिए फिर मटन मटन जी दोस्तों, यहाँ जो ऑनर है हमारे विजय जी साथ हमारे जुड़ चुके हैं। हेलो, चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास अलग है इनके मटन में। भैया सबसे पहले ये बताइए, आप कब से यहाँ पे मटन बना रहे हो? 7 साल हो गया भैया। 7 साल से जी। अच्छा, जैसे यहाँ पे जैसे स्टेशन के साइड आपका दुकान है थोड़ा, तो लोग मतलब थोड़ा कतराते वगैरह नहीं कि हाँ कैसा क्वालिटी वगैरह ये सब को लेकर के? ये सब की बात नहीं सर, सबसे बड़ी बात है भैया कि हम लोग का दुकान जो थोड़ा रेलवे जगह पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो देख रहे हैं जो, हाँ हाँ वो ठीक है, एडजस्टमेंट करके ही मेरा कस्टमर, और ये मेरे लिए कस्टमर नहीं करते, मेरे स्वाद के लिए एडजस्टमेंट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वाद को लेकर कस्टमर करते हैं क्योंकि इनका जो सेटअप है ना काफ़ी डिसेंट टाइप का है, बिल्कुल मतलब एकदम नॉर्मल सेटअप है, गरीब उसे नहीं कर सकते, डिसेंट टाइप का है, लेकिन जो स्वाद है ना भैया वो फाइव स्टार वाला आपको मिलने, उससे बेटर नहीं तो पैसा नहीं। सही बात है, मतलब उससे बेटर नहीं तो पैसा नहीं लेंगे भैया। अच्छा भैया एक बात बताइए, मटन आप बेचते कैसे हैं? भैया फिलहाल तो अभी 800 रुपये के जी है। अच्छा, जैसे नॉर्मली एक दो पीस जैसे परोसने की बात हुई तो कस्टमर को कैसे परोसा जाता है यहाँ पे? वजन से ही मिलता भैया, वजन से। ठग ठगटरी वाला काम थोड़ी करना है कि भैया यदि किसी से ठग लिए, अब एक पीस का 50 रुपये ले लिए, अब वो 100 ग्राम में 4 पीस चढ़े वो आपके भाग का है जी। जितना वजन होगा कैसे 100 आ जाता है? 80 रुपये सब मिला फिलहाल में। एक प्लेट अगर मटन और चावल खाना हो तो कितना पैसा लग जाएगा नॉर्मली? 100 रुपये। एंड भैया का जो वैरायटी ऑफ मटन है बस ये कढ़ाई में देख सकते हैं, पूरा का पूरा भरा हुआ रहता है सुबह के टाइम, अभी तो मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। रोज़ कितना मटन बनाते भैया? 10-11 बहुत लेटेस्ट, 10-11 केजी मटन बनाते हैं। तो चलिए अब हम भी जायका लेते हैं यहाँ के मटन का और मिलते हैं आपके साथ टेबल पे और बताते हैं क्या कुछ खास लजीजियत है यहाँ के मटन का। हमारा तीनों पीस लग चुका है, सीना लेग और चाप। क्या भैया ने लगा दिया फर्स्ट क्लास इनका सिंपल पुलाव है और साथ में मटन का जो पीस मैंने आपको बताया था वो सारे लग चुके हैं। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं मटन का, बताते हैं क्या कुछ खास जायका है। दोस्तों भैया ने जैसे बताया था उसका क्वालिटी जो है ना भैया 5 स्टार से भी ऊपर मिलने वाला है, अगर नहीं मिले तो पैसा वापस। बिल्कुल सत्य प्रोसेस सही है, मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी। कैसा स्वाद? बहुत बेहतरीन है, लग नहीं रहा बाहर में खा रहे हैं। हम बात करें यहाँ पे मसालों का जो कंपोजिशन इस मटन में बहुत ही लाजवाब है, मतलब जो भी नॉर्मल जो देसी मसाले होते हैं जो घर में हमारा यूज़ होते हैं मटन वगैरह बनाने के, बस उसी वही मसाले हैं, उस वजह से टेस्ट जो है ना काफ़ी निखर के आ रहा है। साथ ही साथ जिस प्राइस रेंज में भैया जो डिलीवर कर रहे हैं ना भैया, और कहीं नहीं आपको मिलने वाला, बहुत ही उमदा है। भले ये शॉप थोड़ा लोकेशन आउटडेटेड टाइप का लगे, थोड़ा ऑकवर्ड सा लगे आपको यहाँ पे आने में, बट जैसे आप इसे ट्राई करोगे ऑथेंटिकेशन आपको उस टाइम ही पता चल जाएगा। अगर आपको कभी भी समस्तीपुर आना हो रहा है तो एक बार जरूर आना यहाँ पे, जो एड्रेस मैंने बताया था वहाँ पे आ जाओ एंड एक बार ट्राई करके देखना, फिर आप कमेंट करके बताना कि हाँ मेरा बात सच था या झूठ। बहुत ही लाजवाब स्वाद। तो क्या कुछ खासा टेस्ट होता है, घर वाला टाइप लगता है या फिर नहीं थोड़ा आर्टिफिशियल वाला? घर का तरह रहता है, घर की तरह। मतलब कुछ ऐसा लगता है कि रेलवे लाइन के बगल में है तो पता नहीं क्या क्वालिटी होगा, क्या कुछ मतलब मिल रहा है, असली मटन है या नहीं? मटन तो यहाँ जो भी बनता है यहाँ बगल में ही लिया जाता है और मटन सबके सामने बनता है और प्रॉपर बहुत अच्छा बनता है, सभी लोग आते हैं खाने के लिए। ठीक है भैया, निकलते हैं फिर, जल्दी मिलेंगे फिर, कभी आना हुआ था। जी दोस्तों, फिलहाल अपनी इस वीडियो करते हैं खत्म। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया, और आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हो तो अपने टाइमलाइन पे शेयर करो, हो सके तो अपने भाई को टैग करो। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हाँ टेस्टी टेस्टी खाना खाते रहना। टाटा।